स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका ड्रीम फैंसी चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा कबड्डी का जो आज का मैच है, पहला मैच जो कि है बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिलनाडु के बीच। पहले दोस्तों मैं आपको दोनों टीमों का बता देता हूं। इस सीज़न में बेंगलुरु बुल्स ने अपना लास्ट मैच जीता था तेलुगु टाइटन्स के अगेंस्ट बहुत ही ईजीली, और दूसरी तरफ तमिलनाडु की टीम हारी थी तेलुगु टाइटन्स से एक लंबे मार्जिन से। तो यहाँ दोस्तों मैंने इस टीम में बेंगलुरु बुल्स के ज़्यादा प्लेयर्स पिक किए हैं और तेलुगु टाइटन्स के कम पिक किए हैं, और तेलुगु टाइटन्स की दोस्तों टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट। तो यहाँ मैंने 5-2 की रेशियो में प्लेयर्स पिक किए हैं। आप चाहो तो 4-3 भी पिक कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा आप तमिलनाडु के प्लेयर ज़्यादा पिक मत करना। और आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो अब होम लेग है कबड्डी का वो बेंगलोर सिटी में शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ बेंगलोर को ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ बेंगलोर के प्लेयर्स आप ज़्यादा पिक करोगे तो डेफिनेटली ही अच्छा करेंगे। तो दोस्तों इस मैच में मैंने केवल एक ही टीम पिक की है, आपको मैं शो कर देता हूँ। पहले दोस्तों हम चलते हैं रेडर्स की तरफ। आपको पता है रेडर्स आपके लिए ज़्यादा पॉइंट स्कोर करते हैं कबड्डी में, तो यहीं हमने रेडर्स को पहले पिक किया है। तो पहला प्लेयर है दोस्तों रोहित कुमार, 5-स्टार रेडर है। आपने लास्ट मैच में भी देखा था इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो पहला हमने इनको पिक किया है। दूसरा अजय कुमार, इनको ज़्यादा लोग नहीं जानते बट लास्ट मैच में भी हमने इनको पिक किया था और इन्होंने उस टाइम भी हमें परफॉर्मेंस करके दिखाया था। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लेयर है, रेडिंग में एक नया टैलेंट है और एक अच्छा प्लेयर है अजय ठाकुर का। आपको दोस्तों बता दूं हमने इनको टीम में शामिल नहीं किया, रीज़न ये है कि वो टीम के कैप्टन हैं तो वो ज़्यादा रेडिंग नहीं करते, वो दूसरे प्लेयर्स को मौका देते हैं ताकि वो कोर्ट पे रहे और टीम को संभाल सके। तो यहाँ हमने अजय ठाकुर को नहीं लिया। और दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेरे को लगता नहीं है अजय ठाकुर को इतना पॉइंट्स लेने देंगे, बट ओवरऑल अजय ठाकुर एक अच्छा प्लेयर है। तो दोस्तों हमने यहाँ तमिलनाडु से एक रेडर लिया है, वो है के प्रनंजन। इसने दोस्तों लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो इसलिए हमने इनको टीम में पिक किया है। तो आप इनके साथ जा सकते हो और ये एक अच्छा प्लेयर है। जो दोस्तों हमने एक ऑलराउंडर में पिक किया है वो है आशीष कुमार। आशीष कुमार का बता दें आपको, लास्ट 2 सीज़न से खेल रहे हैं और इनके हमने स्टैटिस्टिक्स नोट किए हैं बाकी ऑलराउंडर्स के कंपैरेटिवली सबसे अच्छे इनके ही निकले हैं, और लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो आप इनके साथ डेफिनेटली जाना। डिफेंस में आ जाए तो दोस्तों हमने 3 डिफेंस पिक किए हैं। पहला है रविंद्र पहल, आपने इनको देखा होगा दिल्ली डायनामोस में खेलते हुए पिछले सीज़न से, और ये बहुत ही अच्छा दोस्तों डिफेंसिव प्लेयर है, तो इनके साथ अभी आप ज़रूर जाना। वहीं दूसरी तरफ हमने सी अरुण को भी लिया है। सी अरुण का लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और इनके डिफेंसिव स्किल्स भी अच्छे हैं, तो इनको भी पिक किया है। और तीसरा जो दोस्तों हमने पिक किया है वो है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का भी आपको दोस्तों बता दूँ, ये भी अपना फर्स्ट टाइम इस सीज़न खेल रहे हैं कबड्डी में, और लास्ट मैच हमने इनका देखा था डिफेंस में इन्होंने बहुत अच्छे टैकल्स किए थे, तो इसलिए इनको भी पिक किया है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको बता दूँ, आप सी अरुण को जगह किसी दूसरे तमिल प्लेयर्स को ले सकते हो, या आप किसी ऑलराउंडर्स के साथ भी जा सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ आप डी प्रताप को भी देख रहे हो, बट ये लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन के लिए आए थे, तो मेरे को लगता नहीं है ये टीम 7 में पार्ट होंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। ओवरऑल ये टीम बैलेंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन, दोस्तों यहाँ मैंने रोहित कुमार को कैप्टन लिया है। डेफिनेटली आप सारी टीम्स में देखोगे रोहित कुमार को कैप्टन, रेडिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बेंगलुरु बुल्स का रविंद्र पहल को वाइस कैप्टन लिया है। रीज़न सेम है दोस्तों, तमिल की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और रविंद्र पहल डिफेंसिव में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो यहाँ मैं रविंद्र पहल के साथ जा रहा हूँ। इन केस अगर आप दूसरा कोई दूसरा चाहते हो तो आप अजय कुमार को भी वाइस कैप्टन प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, बट मैं इसी टीम के साथ जाऊंगा। कल आपको मैं विनिंग प्रूफ्स भी दिखा दूंगा। दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आप स्मॉल लीग्स में पार्ट लोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी अमाउंट जीत पाओगे, बट ग्रैंड लीग्स में आपको मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें न्यू प्लेयर्स और हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि दूसरी टीम नहीं करे, कि जिससे हम एक प्रॉपरली एक अच्छा अमाउंट जीते। तो ग्रैंड लीग्स में आप ज़्यादा अच्छा नहीं जीत पाओगे, बट स्मॉल लीग्स में डेफिनेटली आप 1 पर आओगे। तो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर यही कहूँगा कि आप स्मॉल लीग्स में ज़्यादा पार्ट लो इन केस ऑफ ग्रैंड लीग्स। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट मैच में।